हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक क्विक रिवीजन है आपका साइंस का, क्लास 10th। जैसा कि एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से मैंने ये रेडी किया है और आपके लिए ये स्क्रीन पर प्रेजेंट है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट अस स्टार्ट। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। कुछ नई प्रॉपर्टीज बनती हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल फॉर्मूलाज और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपको उसकी सारी स्टेजेस, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो जो एटम है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसकी प्रॉपर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो वो सब क्या है? एक केमिकल इक्वेशन होती है। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होती है? LHS और RHS, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, और आपका राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में LHS यानी कि रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपके प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, और इनको बैलेंस किया जाता है, इन एटम्स को, एलिमेंट्स को, और तब वो रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? ये आपको दिख रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन विच वन एलिमेंट रिएक्ट विद द अनदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? सिंपल, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक तरीके का एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिंपल, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब कोई भी कंपाउंड है, सपोज मैं इसी का एग्जांपल लूँगी, अगर ये डीकम्पोज हो जाए, डीकम्पोज का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक होना। अब ये तो एक प्रॉपर कंपाउंड है पर ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा है। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम। तो सपोज एक कॉपर सल्फेट का हमारे पास एक कंपाउंड है और जिंक हमने उसमें, सॉरी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने उसमें जिंक को ऐड किया है, या हम आयरन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ क्या होगा? अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हमने आयरन डाल दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके का, इसको कहते हैं डिस्प्लेस। किसी एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। तो हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इन अ मॉलिक्यूल डिस्प्लेस बाय अनदर एटम। तो इसमें वही है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे एटम को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है पूरे कंपाउंड में से। तो इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका, इन विच अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल टेक्स प्लेस आर नोन एज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपका, जैसे सपोज ZnSO4 है प्लस आपका मैं ले लेती हूँ कोई भी, आपका तो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, ये आप इसे नोट कर लेना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NaCl, इसको नोट करें और इसमें देखेंगे हम, जब इसमें रिएक्शन होगा तो आपको पता है अब रिएक्टेंट देख के कि क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें
आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक तो ये कंपाउंड बन रहा है और बचा हुआ ये क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्लासिफाइड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है इसमें, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। फिर आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है सॉल्यूशंस को, तो कुछ उसमें बॉटम पे टेस्ट ट्यूब ले ले, बीकर ले ले, वहाँ सॉलिड चीज़ का सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिड पार्ट सेटल डाउन हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होता है, इन बिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ अगर हो रहे हैं किसी रिएक्शंस में तो हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसको सेम एज इट इज नोट डाउन करके एग्जाम में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, जब आपकी हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व होएगी, निकलेगी बाहर, और एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी बाहर। नेक्स्ट है कोरोजन, मतलब ख़राब होना, मेटल जब ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं कोरोजन हो गया है, इसको एज इट इज़ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, आपका अनप्लीजेंट चेंज जब हो जाता है, फूड में स्मेल आने लगती है, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और एसिड और बेस और सॉल्ट क्या होते हैं, तो एसिड आपको पता है सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, और जैसे एग्जांपल और विनेगर, और बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, जैसे कि आपका सोप सॉल्यूशन वगैरह। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस है जो जिसे हम एंटा एसिड की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, बेस किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। और पीएच स्केल क्या होती है, पीएच से आपका हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ये पता चलता है। फिर आपका पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिड, सॉरी पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेस, और कम है तो एसिड, और न्यूट्रल है तो आपका 7 पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, इन पे ज़्यादातर आप ये डिसोसिएट एंड यील्ड अ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव, जब भी इनको ये ब्रेक करते, जैसे NaOCl को ब्रेक करेंगे हम तो देखेंगे ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, इनको सॉल्ट्स कहते हैं। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोर एल्केलाई प्रोसेस। तो जब भी आपको कास्टिक सोडा या दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होता है तो हम एक प्रोसेस लेते हैं, तो जब भी आपको ये रेडी करना होता है कास्टिक सोडा, तो आप कैसे करते हैं, NaCl को लेंगे, वाटर को लेंगे, NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और हम रेडी कर लेंगे कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है इसका यूज़ पूछा जाता है अगर, तो कहाँ यूज़ करते हैं, लेबॉर्टरीज में, पल्प बनाने में और पेपर बनाने में, टेक्सटाइल में, ड्रिंकिंग में, सोप में, डिटर्जेंट में, सब जगह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को किस तरीके से आपका तैयार किया जाता है, बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बेकिंग सोडा को रेडी करने के लिए हमें NaCl चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अमोनिया चाहिए, तब आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3।
तो ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है, और ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, इसके यूज़ेस लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उसके साथ अटैच होते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और जब भी इसे हम हीट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ आपको पता ही है, सोप, पेपर इंडस्ट्री और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर के इसको डाला जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसको कैसे तैयार किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट करा के हमारा CaOCl2 बनता है, प्लस इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आपके यूजेस ये हैं, इसको ड्रिंकिंग वाटर के में या स्विमिंग पूल में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए भी कई बार डाला जाता है, और इसको वैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको रेडी करके जाना है एग्जाम के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट प्लस उसको हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के हाफ मॉलिक्यूल के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और प्लस ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। तो ठीक है, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, मोल्ड्स के लिए, टॉय के लिए, पॉटरी के लिए, सिरेमिक के लिए। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल सारे लस्टर होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, थर्मल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सभी को मेटल कहते हैं, जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब। नॉन मेटल सारे गैसेस होते हैं, जैसे नॉन लस्ट्रस होते हैं, बैड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। रिएक्शंस देखें मेटल की, तो मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल आपका मेटल सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं ये मेटल है जिंक, और ये कॉपर सल्फेट एक मेटल सॉल्ट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और आपका मेटल अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट है ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल बर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। तो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, ऑक्साइड ऑफ सम मेटल डिजॉल्व इन वाटर टू यील्ड सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्केलाई। जब भी मेटल को मेटल डिजॉल्व होता है वाटर में तो क्या बनते हैं, हमें देखने को मिलता है हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्केलाई, क्या बनते हैं, एल्केलाई बनते हैं। एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड को जब भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड फॉर्म सॉल्ट बनेंगे, ठीक है, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड विच एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिड और बेस। ऐसे ऑक्साइड जो कि ऐसा शो करते हैं कि वो एसिड भी है, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्शन कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी पढ़ के जानी है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जब इन्हें ब्रेक करेंगे तो या वाटर सॉल्यूशन में इन्हें ऐड किया जाता है कुछ कंपाउंड्स को, तो ये अपने आयनिक बॉन्ड्स में अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, NaCl, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। मेटल जो है वो नॉन मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये दोनों कंबाइन करते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ मिलते हैं, मेटल अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, ये फ्री स्टेट में भी होते हैं, नेटिव स्टेट मतलब इनकी रिसोर्स जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ से भी मिलते हैं, ओरिजिनल स्टेट में भी मिलते हैं, इम्प्योर होते हैं उस समय इनको प्योर किया जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट में अगेन मिलते हैं, ओट्स, ओट्स जहाँ से मिनरल को आपको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है गैंग क्या होता है, गैंग इज इम्प्योरिटी होती है, गैंग एक इम्प्योरिटी होती है, अनवांटेड इम्प्योरिटी ऑफ सैंड और रॉक, कोई भी आपका ओर है, ओर है, सपोज ये ओर है, कोई भी एक ओर क्या है, चट्टाने होती है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ जिस पे मेटल डिपॉजिट रहता है, पर उस पे अगर इम्प्योरिटी डिपॉजिट है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो गैंग कहलाएगा।
नेक्स्ट है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निकालना उसके ओर से, उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का खराब होना उसको कोरोजन कहते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से तो इसको क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। जैसे कि हमारा आयरन है लगातार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता रहता है तो रस्ट बन जाता है ना। नेक्स्ट है अगर आपको कोरोजन हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, एलॉयिंग करेंगे या गैल्वनाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट ये आपके सिलेबस में नहीं है, एज पर आरबीएससी बोर्ड देखते हैं। फिर हमारे पास एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एज पर आरबीएससी बोर्ड। ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट आर शोन बाय, ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऐसे प्लांट जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर ऐसे एनिमल जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आपका फंगाई हो गया या फिर एनिमल्स हो गए, ये सब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। सेप्रोफाइटिक ये डेड और डीके मैटर पे सर्वाइव करते हैं, जैसे फंगाई है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब ये किसी दूसरे होस्ट पे चिपके हुए रहते हैं या उनकी बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना फूड लेते रहते हैं, इनको कहते हैं एंडो पैरासाइट या एक्टो पैरासाइट, ठीक है। एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइस और लीच है ना, ये होस्ट पे रहते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, मोस्टली एनिमल इंजेस्ट फूड एंड देन डाइजेस्ट, तो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, आप फूड पहले पहले इनगल्फ कर लेते हैं, ले लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, एनिमल है, ह्यूमन है, हम खाना खा लेते हैं पहले और बाद में धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो हमारा फूड है वो आगे की तरफ पुश हो, यानी कि स्टोमक से सीधे इंटेस्टाइन की तरफ जाए, है ना, उस तरीके के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है। ये हमारा ओइसोफेगस जो फूड पाइप है वहाँ पर ये मूवमेंट देखने को मिलता है, प्लस स्टोमक में देखने को मिलता है, ताकि जो फूड है वो वापस माउथ की तरफ ना रिटर्न होके आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाना और यूटिलाइज हो जाना बाय एवरी सेल, हर सेल में वो यूटिलाइज हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और बाद में फिर वो रिमूवल भी हो जाना चाहिए जो अनडाइजेस्टेड है। एलिमेंट्री कैनाल का एक पाथवे होता है, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक स्पिंक्टर, गैस्ट्रिक स्पिंक्टर क्या होता है, मसल्स, ये फूड को एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी मसल हेल्प करती हैं फूड को ले जाने में उन्हें गैस्ट्रिक स्पिंक्टर मसल्स कहते हैं। एनल स्पिंक्टर ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं, रिमूवल में। विलाई क्या होते हैं, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे चिपके हुए रहते हैं या वहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, और ये अपना एरिया भी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा फूड है और, तो अपना एरिया बढ़ा लेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट है आपका सम कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लार्ज सरफेस, थिन परमेबल वॉल एंड एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर थोड़ा स्लो करेंगे, सम कॉमन फीचर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लार्ज सरफेस एरिया, थिन परमेबल वॉल, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। तो रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड जो सप्लाई होता है वो आपका आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है तो दिन के टाइम क्या होता है, डे में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, और डे में क्या, सॉरी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो फिर वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, देयर फॉर ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज विच इज़ अ मेजर एक्टिविटी इन आर डे। और ड्यूरिंग नाइट ओनली रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस, देयर फॉर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज विच इज़ अ मेजर एक्टिविटी इन नाइट।
तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है दिन में, और ड्यूरिंग नाइट, रात को क्या होता है, ओनली रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस, देयर फोर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, केवल वो बस गैसेस को कलेक्ट कर लेते हैं, और ये मेजर एक्टिविटी होती है रात को। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक एनिमल, क्या करते हैं एक्वेटिक एनिमल, आपका एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व वाटर, जितना भी पानी में जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके से होता है ये, इसका एक प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वोलाई, ये पूरा पाथ होता है जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं वहाँ उसका पूरा पाथ होता है। सबसे पहले नेजल कैविटी में आती है, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, फिर एल्वोलाई। नेक्स्ट है रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, गला जो होता है आपका, थ्रोट होता है वहाँ पर आपका, कार्टिलेज होती हैं और ट्रैकिया, और उस एरिया को क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया कहते हैं, एयर पैसेज होता है, डज नॉट गेट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये आपका जो ट्रैकिया होता है ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जहाँ से एयर आपकी पास होती है, और ऐसा ये इसीलिए जब एयर ज़्यादा नहीं भी जा रही है तो भी ये कोलैप्स नहीं होता, ख़राब नहीं होता है ये एरिया, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरबीसी, आरबीसी इज अ डिस्क शेप हैविंग कलर पिगमेंट होता है इसमें, और विच हैव रेड कलर, ये क्या करती हैं आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और नेक्स्ट है WBC, ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काम आते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया है, और वो आपका लंग्स से हार्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, और वो किस तरीके से जाएगा, जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो आपके लंग से हार्ट को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं, सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये आप एक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो आपका वॉल्व होता है ये क्या करते हैं, अच्छा उससे पहले आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, ये आप पढ़ लेना, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका अब जो है पूरी बॉडी से होता हुआ वो हार्ट की तरफ आता है, फिर हार्ट उसे लंग्स तक पहुंचाता है। ये कैसे होता है, ये आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा करती है ये सारा काम। वॉल्व मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो आपका हार्ट है उसमें आपका जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, वापस ना फ्लो हो, इसके लिए कुछ वॉल्व्स होते हैं। जैसे हमें पता हार्ट में हमारे ऐसे चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो एक बार ब्लड अगर ऑरिकल से होता हुआ वेंट्रिकल में आ रहा है तो यहाँ पे कुछ वॉल्व होती हैं जो बंद हो जाती हैं ताकि ये वापस ऊपर की तरफ ना जाए ब्लड। ठीक है, तो ये वॉल्व क्लोज कर देती हैं पैसेज। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन अकर इन मैन बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस, दो बार हार्ट पास करता है, ब्लड पास करता है हार्ट से, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, आपको पता होना चाहिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल तीन चैम्बर्ड होते हैं, थ्री चैम्बर्ड, और हार्ट वेयर लिटिल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सी, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाता है क्योंकि तीन चैम्बर होते हैं, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, देयर फोर उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, जिस वजह से वो अपने आप को कभी ठंडी जगह कभी गर्म जगह से मैनेज करते हैं। देयर फोर द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, इस तो एनवायरनमेंट का जैसा भी टेम्परेचर होता है उस वजह से उनका भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम जो टिश्यू होते हैं ये वाटर को सप्लाई करते हैं रूट से स्टेम और लीफ तक। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन इज अ हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट एंड ऑल्सो रेगुलर टेम्परेचर ऑफ द
प्लांट, वैसे तो ट्रांसपायरेशन हम ऐसा भी कहते हैं लॉस ऑफ वाटर, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो भी हम क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन हुआ है, पर यहाँ पर लिखा हुआ हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर इन द प्लांट। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर्स और यूरिथ्रा, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस आर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन ब्राउनियन कैप्सूल टू रिसीव ब्लड फ्रॉम आर्टरीज। और आई थिंक ये आरबीएससी के सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ फिलहाल, और आगे चलते हैं हम जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। हेरिडिट्री एंड इवोल्यूशन, तो ये चैप्टर हेरिडिट्री एंड इवोल्यूशन। हेरिडिट्री क्या होता है? हेरिडिट्री इज अ मीन्स ट्रांसफर ऑफ फीचर्स कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और इसमें क्या होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? ग्रेगर जोहन मेंडल ने की थी। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, और ही स्टार्टेड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या लॉज बताए थे कुछ, कि ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, क्या होता है, सारा कुछ उन्होंने बताए थे अपने लॉज के द्वारा। प्लांट इन्होंने लिया था पाइसम सैटाइवम, जो पी प्लांट है उसको लिया था, और इन्होंने सात कैरेक्टर्स, सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था और उसको स्टडी किया था। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब आप एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, या जैसे कि आपको हाइट को देखना है टॉल है कि ड्वार्फ है, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब आप दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी करना चाहते हैं, जैसे आप कलर और हाइट दोनों को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, कलर और शेप दोनों को स्टडी करना चाहते हैं, जहाँ पर जैसे ये राउंड है तो ये शेप है और कलर ये ग्रीन, तो इस तरीके से उसको क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आर आर और वाई वाई स्मॉल वाई वाई आर क्रॉस विद द स्मॉल आर वाई वाई इन F1 जनरेशन ऑल वर कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, तो सारे क्या थे? राउंड और येलो सीड्स से जब इनको क्रॉस कराया गया है ना इसके साथ, तो F1 जनरेशन में सारे कैसे थे? राउंड और येलो, यानी कि ये डोमिनेंट देखा गया। ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दें वो डोमिनेंट कहलाते हैं। और उसके बाद जब F1 जनरेशन को वापस से उन्हीं के साथ क्रॉस करवाया, F1 को F1 के साथ जो भी प्लांट मिले उन्हीं प्लांट को उनके साथ ही क्रॉस करवाया, तब हमें कुछ अलग ही देखने को मिला। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट गिव पेरेंटल फिनोटाइप ऑफ टू मिक्सचर, फिर जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला वो ये था 9:3:3:1 आपको देखने को मिला। एनीवेज ये डिटेल्ड आपका काफ़ी लंबा ये आपका टॉपिक है, तो अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच द एग फर्टिलाइज डिसाइड द जेंडर, एग्जाम्पल टर्टल। और नेक्स्ट है आपका जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्रोमोसोम क्या होता है? XX होता है, और अगर फीमेल है तो XX है और मेल है तो YY, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपका जो चेंज है किसी स्पीसीज में वो धीरे धीरे अगर हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअल चेंज विच टेक्स प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्राचीन जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें जो चेंज आया है ओवर द मिलियन ऑफ ईयर, बहुत सालों तक उनमें ये चेंज इकट्ठे होते रहे और इससे नई स्पीसीज बन गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट लीड टू डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन, यानी कि इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसमें कोई भी आपका जो स्पीसीज है वो किसी भी तरीके से अडेप्टेशन नहीं करती है।
चेंजेस नहीं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कहलाती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड ट्रेट, ऐसे ट्रेट जो स्पीसीज एक्वायर कर लेती है एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड ट्रेट कहलाते हैं। तो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ रहे थे और जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमें देखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी जो पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज हैं, उनकी जो एलील है उसमें कोई सडनली चेंज देखने को मिलता है उनकी आगे वाली जनरेशन, सक्सेसिव मतलब आगे वाली जनरेशन में उनका सडन कोई चेंज देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। स्पेसिएशन एक बार और बता देते हैं। स्पेसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का बनना, ठीक है। इट टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कम्बाइंड विद द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। कोई स्पीसीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूव करती है, तो उस स्पीसीज़ का उसके चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एडेप्टेशन होना और उसका उस एनवायरनमेंट का उस स्पीसीज़ पे जो इफ़ेक्ट आता है, तो उस सभी को हम स्पेशिएशन कहते हैं। और जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो इज़ अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज और इंडिविजुअल। एक ही स्पीसीज में जब आपका उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इंटरब्रीडिंग के दौरान, तो उसको क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। आई होप ये सब टर्म्स समझ में आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय टेलिंग अस दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। इससे ये पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम उनके एंसेस्टर्स सेम थे। और एनालोगस में क्या पता चलता है, एनालोगस ऑर्गन प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ फॉर इवोल्यूशन। तो एनालोगस में ऑर्गन्स के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और बट फंक्शन सेम होते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके ऑर्गन्स तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं पर उनके फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, फॉसिल्स आर्चिप्टेरिक्स पजेस फीचर ऑफ रेप्टाइल और बर्ड्स। एक ये जो बर्ड और ये रेप्टाइल का मिक्सचर देखा जाता है, एक फॉसिल बर्ड है जिसका नाम है आर्चिप्टेरिक्स और इसमें रेप्टाइल्स के भी कुछ देखे गए थे फीचर्स, तो ये अपने आप में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइंड बाय द डीपर द फॉसिल ओल्डर इट इज़। जो फॉसिल है उसकी एज पता चलती है जब ये बहुत ज़्यादा डीप में होता है, और उसके बाद इसकी जो डिटेक्शन होती है रेडियो कार्बन डेटिंग से होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आई, इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इज़ नॉट सडन। इवोल्यूशन सडनली नहीं होता है, इसके जो इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो डीएनए में स्टोर होते रहते हैं। और इट टेक्स अ बिट ऑफ ओवर जनरेशन, एक पूरी जनरेशन, एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है जब ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्लैट वर्म्स हैज़ अ रूडिमेंट्री आई, इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आई और ह्यूमन हैव बायोनोकुलर आई। तो ह्यूमंस की ये इन्होंने इवोल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशंस ऑफ फैदर, फैदर प्रोवाइड इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर। जो फैदर हैं उनसे जब ठंडा